फ्रेंड्स, हमारे चैनल ट्रेंडिंग प्लेसेस में आपका स्वागत है। आज हम द चिनस्वी केव्स मंदिर, जेंटिंग हाइलैंड्स, पहांग, मलेशिया का प्रदर्शन करेंगे। 1975 में जेंटिंग हाइलैंड्स रिजॉर्ट में पहले होटल और कैसीनो का निर्माण पूरा करने के बाद जेंटिंग के संस्थापक टैन श्री लिम गोहटोंग ने फैसला किया कि वो चिनस्वी केव्स मंदिर का निर्माण करेंगे। स्वर्गीय टैन श्री लिम ने चिनस्वी टेंपल सोसाइटी बनाने के लिए दोस्तों के एक समूह को इकट्ठा करके शुरू किया। संस्थापक सदस्यों में से कई एंगसी कबीले के थे और उनके पैतृक गांव पेंगलाई से थे। हमेशा उदाहरण के लिए अग्रणी स्वर्गीय टैन श्री लिम ने एक दान अभियान का नेतृत्व किया और मंदिर के निर्माण के लिए 28 एकड़ भूमि का योगदान दिया। उनकी कंपनियों रिजॉर्ट्स वर्ल्ड बरहाद और जेंटिंग बरहाद ने भी बिल्डिंग फंड के लिए ₹8.1 मिलियन का नकद दान दिया। स्वर्गीय टैन श्री लिम को समाज का अध्यक्ष चुना गया और उनके बेटे टैन श्री लिम कोकथाई को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसी दृढ़ता के साथ जो उन्होंने जेंटिंग हाइलैंड्स रिजॉर्ट बनाने के लिए प्रदर्शित की, स्वर्गीय टैन श्री लिम ने मंदिर के निर्माण में योजनाकार, वास्तुकार, डिजाइनर, ठेकेदार और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। खड़ी और चट्टानी इलाके ने निर्माण प्रक्रिया को कठिन और खतरनाक बना दिया और आधुनिक मशीनरी का उपयोग मौलिक कार्यों जैसे कि पाइलिंग के लिए करना असंभव था। मैनुअल श्रम तैनात किया गया था और निर्माण को पूरा करने के लिए 18 साल खर्च किए गए थे। चिनस्वी गुफा मंदिर आधिकारिक तौर पर 29 मार्च 1994 को खुला था। चिनस्वी केव्स मंदिर रणनीतिक रूप से स्थित है और अवाना स्काईवे या सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर तक एक सुविधाजनक और सुखद यात्रा के लिए अपनी कार अवाना स्काईवे कार पार्क में पार्क करें, जहां लगभग 4,500 खंड हैं। वहां से मंदिर की सुंदर सवारी के लिए अवाना स्काईवे गोंडोला पर जाएं। रिवरेंड चिनस्वी की पूजा करने के अलावा मंदिर में आने वाले भक्त बुद्ध और कुवान यिन से भी प्रार्थना कर सकते हैं, जिनकी बड़ी सफेद मूर्तियां 5 मंजिला मंदिर के पीछे खड़ी हैं। आगंतुक कुछ हस्तकला की पेचीदगियों की प्रशंसा भी कर सकते हैं और सांस्कृतिक अन्वेषण की यात्रा शुरू कर सकते हैं। प्राचीन चीनी परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार बाद के जीवन में नरक से स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं। उसी स्थान के भीतर मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाद एक 9 मंजिला शिवालय है, जिसे बुद्ध की कई मूर्तियों से सजाया गया है। शिवालय के अंदर मंदिर के भक्तों के लिए 10,000 आशीर्वाद दीपक स्थापित किए गए हैं, जिन्हें समर्पित करने के लिए वे बुद्ध द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ नए परिवर्धनों में 35,000 वर्ग फुट में फैले एक बड़े वर्ग का निर्माण शामिल है, जिसे आगंतुकों और भक्तों के लिए उपयुक्त रूप से स्काई टेरेस, स्वर्गीय भेंट के लिए स्थान नाम दिया गया है, जो स्वर्ग में बादलों के बीच आराम से चलने के लिए 110 की रचना है। ध्यान, विश्राम और आत्म खोज के साथ साथ मंदिर में और उसके आसपास सामान्य सुविधाओं के अन्य संवर्धन के लिए कमरे, कुवान यिन की प्रतिमा के आधार पर स्थित वर्ग प्रवेश द्वार से बुद्ध की प्रतिमा तक फैला हुआ है, जिसके केंद्र में बुद्ध हॉल नामक एक छोटा बौद्ध मंदिर है जो नीचे मुख्य मंदिर से जुड़ा हुआ है। बुद्ध हॉल सभी के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए खुला है। चौक के भीतर छोटे बौद्ध मंदिर के ठीक पीछे स्वर्गीय तान श्री लिम गोहटोंग की एक मूर्ति है। यह प्रतिमा चिनस्वी केव्स टेंपल बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा जेंटिंग हाइलैंड्स रिजॉर्ट और चिनस्वी केव्स मंदिर के विकास में टैन श्री लिम के नेतृत्व की सराहना में बनाई गई है। यह प्रतिमा समाज में उनके अपार परोपकारी योगदान और व्यापार में उनकी महान सफलता के लिए सम्मान का प्रतीक भी है। आगंतुकों के थके हुए पैरों को आराम देने के लिए चौक के चारों ओर कई गजेबो भी हैं। वहाँ की मूर्तियाँ पारंपरिक प्राचीन चीनी पात्रों जैसे 8 देवताओं,
को शतरंज का एक दोस्ताना खेल खेलने के लिए जीवंत करती हैं। मुख्य मंदिर की ओर जाने वाले एक अन्य मार्ग के साथ चीन से आयातित पत्थर की नक्काशी है, जो फिलहाल धर्मप्रायणता की 24 कहानियों को दर्शाती है। प्राचीन चीन के ये प्रसिद्ध किस्से लोगों को अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं। आगंतुकों, विशेष रूप से बच्चों के लिए विशेष रुचि, नरक के 10 कक्षों का चित्रण हो सकता है। ये कक्ष एक पथ को रेखाबद्ध करते हैं जो धीरे धीरे वर्ग के किनारे पर एक पहाड़ी को हवा देता है। वॉक अप द पाथ को जर्नी टू एनलाइटनमेंट नाम दिया गया है, क्योंकि इन कक्षों का उद्देश्य बुरे आचरण को हतोत्साहित करना है, जिसमें दर्दनाक अनुभवों का चित्रण एक दुष्ट व्यक्ति को नर्क में करना होगा, जबकि नर्क कक्षों का दौरा सभी के लिए एक शैक्षिकी यात्रा हो सकता है। यह उन लोगों के लिए भी एक आंख खोलने वाला हो सकता है जिन्हें बौद्ध धर्म में कारण और प्रभाव के बुनियादी सिद्धांतों का बहुत कम ज्ञान है, जो पारंपरिक चीनी मान्यताओं की आधारशिला है। बिना किसी अतिरिक्त कीमत के चिनस्वी स्टेशन पर उतरें और इस स्केलेटन को मंदिर के मैदान तक ले जाएं। अपनी केबल कार का टिकट अपने पास रखना न भूलें, क्योंकि यदि आप नीचे जाते समय मंदिर में रुके थे तो आप चोटी या अवाना स्टेशन तक अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उसी टिकट का उपयोग कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।